अस्सलाम, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो हमारी रिएक्शन वीडियो है वो अलामा अली रजा रिजवी जी का एक बयान है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है अबू बकर ने फदा क्यों नहीं दिया। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अबू बकर ने फदा क्यों नहीं दिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मसला ये है मेरे भाइयों कि जो बाग़े फदक का इशू है, लफ्ज फदक है, लोग फिदक बोलते हैं, बाग़े फदक भी नहीं है, जागीर फदक है। एक बाग नहीं था, एक खास राजी थी। इसका इशू जो है सदियों से अहले सुन्नत अहले तशय्यो के दरमियान एक बोन ऑफ कॉन्टेंशन बना हुआ है। तो मेरे नजदीक ये मैनेजेरियल इशू था। अगर हजरत अबू बकर अस-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पास इसको रखा इस बुनियाद पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहाफ पे मैं अब खलीफा हूं, मुझे उम्मत ने चुना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह मैं मैनेजमेंट करूंगा, बाकी उसके जो मामलात हैं वो अहले बैत को ही जाते थे, ठीक है। तो ये उनका मौकिफ बिल्कुल ठीक था। और अगर वो हजरत फातिमा को दे देते, जैसा कि बाद में उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो है वो आले फातिमा को दे दिया, तब भी दुरुस्त होता। तो ये मैनेजेरियल इशू था और इसमें सैयदा फातिमा जो नाराज हुई, अब ये नाराजगी जो है उनकी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक बशरी तकाजे के तहत थी। इस पे नऊज़ बिल्ला ये फिट करना कि जी वो सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस के जी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, नऊज़ बिल्ला मिन ज़ालिक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक तो सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है। जिस अबू बकर सिद्दीक की हदीस बुखारी के अंदर 3751 है कि मोहम्मद की मोहब्बत को अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो, वो कब ये कर सकते थे, ठीक है। वो एक बाज का दुनियावी तौर पर भी कभी ऐसे इख्तलाफ आ जाए तो नाराजगी, ये बात ठीक है, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि वफात तक सैयदा रही है, सैयदना अली ने रात को उनको दफन किया है, अबू बकर उमर को नहीं बताया, जहर एक मामला चल रहा था। और ये दुनियावी इतबार से इस तरह की नाराजगी हो जाती है, बल फातिमा फिट नहीं करना चाहिए, इस तरह की नाराजगियां तो मतलब बाजू का सैयदना अली और फातिमा के दरमियान भी हो जाया करती थी, इस लेवल की तो नहीं लेकिन हो जाती थी, तो इस तरह फातिमा नहीं लगाना चाहिए। बाकी विरासत का जो इशू है बुखारी और मुस्लिम में डिटेल मौजूद है कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की विरासत जो है वो तकसीम नहीं होती। अच्छा, मैं अक्सर सोचता था कि अगर सईदा फातिमा, ये अक्सर जो हमारे सुन्नी कहते हैं सईदा फातिमा को ये हदीस ही नहीं पता थी विरासत वाली, भाई फातिमा को नहीं पता थी तो और किसको पता होगी, जिसकी जरूरत थी उनको हदीस पता थी। बेसिकली ये मैनेजमेंट का इशू था कि मैं आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारिस हूं तो आपके बिहाफ पे मैं इसको मैनेज करूंगी। तो सईदा अबू बकर सिद्दीक ने इसलिए विरासत वाली हदीस उनको याद करवाई कि भाई नबियों का तो वारिस ही कोई नहीं होता, जब वारिस नहीं होता तो तवल्लियत वाला मैनेजमेंट वाला इशू आपके हवाले कैसे कर दिया जाए। तो उनकी इल्मी विरासत होती है अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की, तो ये फिजिकल विरासत उस तरीके से तो नहीं होगी। जब विरासत नहीं ट्रांसफर होती है तो आप ये मैनेजमेंट क्यों मुझसे मांग रही हैं, मैं मैनेजमेंट इसको चलाऊंगा। जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जो है वो जब देखा कि बागे फदक जनाबे खत्म मर्तबत को दे दिया गया है, तो जनाबे खत्म मर्तबत ने इस आयत के नुजूल पे, इस आयत के नाजिल होने पे कि वहां चल कुर्बा हक का हो और अपने कराबत दारों को उनका हक अदा कर दीजिए, तो अनफाल था बाग फदक, तो आपने फौरन वो जनाब सैयदा को अपनी जिंदगी में दे दिया। और उसका बहरहाल बहुत बड़ा बजट था, बहुत बड़ा बाग है, अभी भी बाग के आसार बाकी हैं, और उस पूरे बाग से जो जंगों का खर्चा था जो चलता था, बेनतहा फकरा की मदद करते थे जनाब अमीर जनाब सैयदा। जनाब सैयदा ने जनाब अमीर से कहा कि वहां पर मेरी तरफ से नौकर चाकर वहां पर रख दीजिए जो उसकी बाकी देखभाल करते रहें, और उसके बहरहाल काम बाकी बहुत ज्यादा होते हैं। तो वहां पे मौला ने अपने मुलाजिम रखे, काम होने लगा, वक्त गुजरता रहा, जनाब खत्म मर्तबत का 11 हिजरी में मिसाल, और उसके बाद अब फिर बाग फदक का मसला फौरन छिड़ा। जैसे ही सही बुखारी के अंदर अल्फाज ये हैं कि जैसे ही जनाब खत्म मर्तबत के बाद खिलाफत पहले खलीफा के हाथों में चली गई, तो उसने फौरन वहां से कहा कि बाग फदक से मुलाजमीन को हटा दिया जाए, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के मेरे जो कारिंदे हैं वो वहां चले जाए और वहां पे वो काम करें और उसके ऊपर कब्जा कर लें, और आइंदा जो भी उसकी इनकम होगी, जो आमदन होगी उसकी, वो हुकूमत के खाते में आएगी, मुझे मिलेगी, और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को जनाब सैयदा को महरूम कर दिया जाए। बस ये सुनना था, बीबी ने फौरन किसी को भेजा कि क्या बात है, तुमने मेरे मुलाजिमों को वहां से क्यों हटाया और ये बागे फदक पे तुमने कब्जा कर लिया। तो उन्होंने पैगाम भेजा कि नहीं, आपका नहीं है, ये पैगंबर इस्लाम ने मुझसे कहा था कि ये मैं ले सकता हूं। बस फिर बीबी ने सबको जमा किया और फिर बाकायदा एक खवातीन का झुरमट, कुरैश की जो जितनी भी वो बनी हाशिम की खवातीन थी, कुरैश की जितनी भी मुसलमान खवातीन थी, सबको जमा किया, कहा कि मैं
अपना हक मांगने के लिए जाना चाहती हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, अभी मैंने पूरी तमहीद बांधी, इसे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि यहाँ जनाबे सैयदा सलाम अलैहा ने सबको जमा किया और अब बहसें यहाँ पे एक तो है फै या अनफाल की, अनफाल या फै की दो सलाहतें कुरान के अंदर कि वो सहाबा का नहीं है, सिर्फ रसूल खुदा का है और पैगंबर इस्लाम ने जनाब सैयदा को दे दिया। जनाब सैयदा ने सारे मस्तूरात को जमा किया और चले लगे। मुअर्रखीन ने वाके को सबने लिखा, शिया सुन्नी सब मुअर्रखीन ने लिखा कि जनाब सैयदा ने अपनी जो अबा थी वो सर पे ली और फौरन सबको जमा किया, सारी चारों तरफ मस्तूरात हैं, सबसे कहा मेरे साथ चलो, मैं जाके मुतालबा करना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं यहां पर रोक के, इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली, नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने, जिन्होंने नहजुल बलागा की शरह लिखी है, शरह नहजुल बलागा 20 जिल्दों में लिखी है और उनके उस्ताद थे, वो कहते हैं मैंने अपने उस्ताद से सवाल किया इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली ने कि क्या ऐसा मसला था कि पहले खलीफा ने बीबी को फदक का मुतालबा करने के बावजूद भी बागे फदक वापस नहीं किया, ऐसा क्या मसला था? तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें एक वाक्य सुनाता हूं, उससे बात आसान हो जाएगी समझना। कहा क्या था? कहा कि एक क्लासरूम में कई बच्चे बैठे हुए थे तो उस्ताद ने एक बच्चे से कहा कहो अलिफ, बच्चे ने अलिफ नहीं कहा, फिर दोबारा कहा कहो अलिफ, तीन चार मरतबा दोहराया, बच्चे ने अलिफ नहीं कहा। उस उस्ताद ने जो है वो पुराना जमाना था, मारने की इजाजत थी, बच्चे को एक बाकायदा थप्पड़ रसीद किया, कहा कि भाई तुम इतने नालायक हो, तुम्हें अलिफ तक नहीं आता, ये कहा और आगे बढ़ गया। उस बच्चे के साथ और बच्चा बैठा था, उसने सवाल किया, उसने कहा वाकई तुम इतने नालायक हो, तुम्हें अलिफ तक नहीं कहना आता? उसने कहा ऐसी बात नहीं है, मुझे अलिफ कहना आता है, उसके बाद फिर मैं जानता हूं कि बा है, सा है, जीम, हा, खा, अरबी के वो उस्ताद थे, कहिए मुझे दाल तक सारे हरूफ आते हैं लेकिन दाल के बाद के हरूफ नहीं आते। कहा तो तुमने अलिफ क्यों नहीं कहा? कहा अगर मैं अलिफ कह देता तो वो मुझे ये तक लेके जाता, पता नहीं तवज्जो है या नहीं, कहा अगर मैं अलिफ कह देता ना तो फिर मुझे ये तक जाना पड़ता, लेकिन मैंने कहा मैं अलिफ ही को नहीं मानूंगा ताकि बे की नौबत ना आए, ना बे की नौबत आएगी ना ये फिर ये की नौबत आएगी, कहा मैं अलिफ पे रुक गया। जाने के नामी इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली कहता है कि उसके उस्ताद ने कहा कि जनाब सैयदा ने अगर अगर मुतालबा किया ना फदक का और पहला खलीफा कह देता कि हाँ मैं मानता हूं ये आपका है, हमने गसब किया था, तो अज़ीज़ाने गिरामी वो कहता है कि यहां पे बात रुकने वाली नहीं थी, ये बात शुरू यहां से हो रही थी। जनाब सैयदा ने सिर्फ फदक का मुतालबा नहीं किया था, अगर कह देते कि हसनैन के सदके में हमें दे दीजिए तो बीबी वैसे ही सदका उतार देती, कब मसला फदक का नहीं था, जानते थे कि यहां से शुरू हो रहा है, मामला शुरू होगा, खिलाफत तक जाएगा, सारे मामला खुलते चले जाएंगे, पहली बात को ना मानो ताकि आखिरी बात की नौबत ना आए। बात आदि हुई अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए हमने पहले ही बात को नहीं मानना ताकि फिर आखिरी बात की नौबत ना आए। अब क्या मसला हुआ? जनाब सैयदा ने कहा नहीं, मैं तारीख में ऐसा ना हो कि कोई ये कह दे जनाब सैयदा ने मुतालबा नहीं किया था, कहा कि नहीं मैं तारीख के औराक पे ये मुकदमा दर्ज करवाना चाहती हूं। अब मैं उस पूरे मुकदमे को खुतबे के चंद जुमलों को पेश करना चाहूंगा आपके सामने, ये सारी मैंने तमहीद बांधी है। अब आइए, जनाब सैयदा दरबार में बुरका ले रखा है, चारों तरफ मस्तूरात हैं, बीबी ने सर पे एक अबा है, हाथ में अपने बाबा का असा है और बीबी चलते हुए आई हैं कि एक मरतबा मस्जिद नबवी के अंदर उस पूरे मुकदमे को पेश करें। और आने के बाद बीबी ने कहा कि कुरान के अंदर बीबी ने पहले हमदे बारी ताला बजा लाई और कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अलामा अलहमा और उस खुदावंद मुताल के तमाम तारीफें कि जिसने हर चीज हम पे इल्हाम की है, वही हम पे भेजी है, जितनी नेमतें उसने आले मोहम्मद को अता की हैं किसी को अता नहीं की हैं। अल्लाह ने गिरामी हमदे बारी ताला बजा ला रही है लेकिन उसके अंदर भी फजाइल अहले बैत को वादे कर रही है। अल्लाह ने गिरामी वहां पर बीबी ने एक मुकदमा पेश किया और उसके बाद कहा कि उस खुदावंद मुताल ने जब हर तरफ जुल्मत थी, तारीकी थी, चारों तरफ कुफर ही कुफर था, शिर्क ही शिर्क था, उस खुदावंद मुताल ने मेरे बाबा का इंतखाब किया, कहा ऐ मोहम्मद जाओ जाके मेरी तौहीद का दुनिया के अंदर प्रचार कर दो, सबको तारुफ करवा दो कि मैं कौन हूं। कहा कि उस तारीकी के अंदर एक नूर नमूदार हुआ, उस नूर का नाम मोहम्मद मुस्तफा था, हबीब खुदा था। खुदा सुनने के मूड में है आप लोग? अज़ीज़ाने गिरामी बीबी ने उस खुतबे के जुमलों को शुरू किया और कहा कि देखो ऐ अरबो, तुम लोग जानते ही नहीं थे पाकीज़गी क्या चीज है, वो जो बारिश का पानी जमा होके गोदानों में खड़ा हो जाता, जमीन में गड़े होते हैं ना, जब बारिश होती है तो गड़ों में पानी खड़ा हो जाता है, क्या वो जो पानी गोदानों में खड़ा हो जाता था
तुम उस जमा शुदा पानी को पी लिया करते थे, मेरे बाबा ने तुम्हें बताया पाकीजगी क्या चीज है। कब मेरे बाबा ने बताया कि देखो जमीन में कुएं खोदे जा सकते हैं, आपने जमजम को जारी किया। कहा हर चीज की पाकीजगी मेरे बाबा ने समझाई। कहा कि देखो तुम लोग कुछ नहीं जानते थे, जब सारे के सारे दुनिया के भेड़िए जमा हो जाते थे, अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो भेड़िए वुल्फ्स, अब मुझे नहीं मालूम जर्मन में क्या कहते हैं, कि जितने भी भेड़िए गोरखा ये सारे के सारे हमले करते थे ना तुम पे, तो तुम सब के सब चारों तरफ से तरस खा के डर के बैठ जाते थे। कब वो मेरे इब्ने अम थे, अली इब्ने अबी तालिब थे, कि जितने अरब के भेड़िए थे जब वो हमले करते थे तो एक अल्लाह का शेर था अली इब्ने अबी तालिब। सारे अरब के भेड़ियों के सरों को तोड़ने वाला अल्लाह का एक शेर था, जिसने तुम में से कभी किसी को सहमत नहीं दी। जब तुम्हारे सरों पे परिंदे बैठे होते थे, तुम हिलने की कोशिश नहीं करते थे, वो एक अली थे जो खड़े होते थे हर अरब के सर को तोड़ के बताते थे मैं अल्लाह का भेजा हुआ शेर हूं। जनाबे खातून ने जन्नत में तारुफ करवाया, पहले अपने बाबा का तारुफ करवाया। कहा कि हर तारीख के अंदर कहा अगर एक नूर नजर आ रहा था, वो हबीब खुदा का नूर था। उन्होंने कुरान को उस तरह से पहुंचाया जिस तरह पहुंचाने का हक था, वाजिबात को इसलिए दिया ताकि तुम अपने आप को तकवीयत दे सको, नमाज को वाजिब करार दिया ताकि तकब्बुर से बच सको, रोजे को वाजिब करार दिया ताकि तुम्हारी सेहत बहाल हो सके, ज़कात और खुम्स को वाजिब करार दिया ताकि तुम्हारे रिस्क में नमू हो, तुम्हारा रिस्क आगे बढ़े, बरकत का सबब बने, हज को वाजिब करार दिया ताकि पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों का रोब बैठ जाए, इतने मुसलमान हर साल जमा हो जाते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, भी मैंने सारी इबादत के फलसफे को समझाया है। कि मुसलमानों की इज्जत की खातिर जिहाद को वाजिब करार दिया। कि जिहाद के अंदर सबसे बड़े मुजाहिद का नाम अली था। अज़ीज़ाने गिरामी, अभी भी तारुफ करवा रही हैं। कि जब सारे के सारे ज़ुल्मतों तारीकियों के अंदर जब हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत को वाजिब करार दिया, तो वो तुम्हें फिरका वारियत से बचाने के लिए। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर आज भी फिरका वारियत से बचना है तो अहले बैत को मान लें। कि हम अहले बैत की विलायत को वाजिब करार दिया कि देखो फिरका वारियत से बच जाओ। अमान मिनल फुरका, अमान है फुरका यानी तफरके से, फिरकाबाजी से, का फिरकाबाजी से बचाने के लिए अल्लाह ने हमारी विलायत को तुम पे वाजिब करा दिया। अज़ीज़ाने गिरामी, अब बीबी ने खुतबा देना शुरू किया और फिर एक मर्तबा बीबी ने मजमे को खिताब जब कर रही थी, हर मजमे का आदमी बहुत रोब से सुन रहा था, सन्नाटा ऐसा था कि अगर कोई सुई गिर जाए तो महसूस ये हो कि यहां पे आवाज आने वाली है। अज़ीज़ाने गिरामी, जब बीबी चल रही थी ना तो जमीन कदमों के बोसे दे रही थी, आसमान से लबैक की आवाजें आ रही थी, सारा मजमा इस तरह से छट रहा था जैसे इस्मत कुबरा का पैकर हो। जैसे ही जनाबे खातून ने जन्नत मस्जिद नबवी में आए तो सारे मजमे पे एक रोब तारी था, निगाहें जमीन पे गड़ी हुई थी, महसूस ये हो रहा था मैदान महशर में अल्लाह ने बुलवाया। अज़ीज़ाने गिरामी, उस मकाम पे जनाबे खातून ने जन्नत ने जब खुतबा दिया, अब हर आदमी गवाही दे रहा था कि आज हमें दोबारा रसूल खुदा की याद ताजा हो गई है। जिस तरह हबीब खुदा खुतबे देते थे, आज खातून ने जन्नत वैसा ही खुतबा दे रही है। बीबी की फसाहत तो बलागत, बलागत और निसा किताब के अंदर सबसे पहले बीबी का खुतबा दर्ज किया गया। अज़ीज़ाने गिरामी, बीबी ने बहुत फसीह वाली खुतबा दिया, उस खुतबे के अंदर बीबी ने जुमले कहे और जुमलों में कहने के बाद एक मरतबा बीबी सारे मजमे को मुखातिब होने के बाद एक मरतबा जो मिंबर पे या तख्त पे बैठा था, मिंबर तब तक मिंबर है जब आले रसूल के पास हो, और फिर अगर आले रसूल से छीन लिया जाए तो फिर मिंबर नहीं रहता, तख्त बन जाता है। अज़ीज़ाने गिरामी, बीबी ने फौरन तख्त की तरफ रुख किया और एक मरतबा मुखातिब होगा यबना अभी कुहाफा। अज़ीज़ाने गिरामी, अजीब अंदाज है, 18 बरस का सीन है बीबी का, लेकिन खुतबे का अंदाज ये है कि कायनात की मलका कलाम कर रही है। यबना अभी कुहाफा, ए अबू कुहाफा के बेटे, जेता बिशैन फरिया, क्या तू इस्लाम के अंदर नई बिदत को लेके आया है? क्या अतरे तो अबू का वाला अरे तो अभी, क्या तू अपने बाप का वारिस है, मैं अपने बाबा के वारिस नहीं हो सकती? अल्लाह अकबर, बीबी का कैसा अंदाज है। और फौरन बीबी ने खुतबा शुरू किया, बीबी ने कहा देख हर इंसान अपने माँ बाप का वारिस होता है, कहा मैं अपने बाबा की वारिस हूं। तो बीबी ने मीरास का मुकदमा किया, दूसरा बीबी ने अनफाल और फै का मुकदमा किया, तीसरे बीबी ने खुम्स का, कहा कि किसी एक को भी रद्द करे तो बाकी दोनों बाकी हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, बीबी ने सारे के सारे मुकदमे दायर कर दिए, पता नहीं वादे कर पाया हूं या नहीं। अगर खुम्स को मानता है तो मैं रसूल खुदा की करीबी तरीन हूं, कराबतदार हूं, अगर फै और अनफाल को मानता है तो रसूल खुदा ने अपनी जिंदगी में मुझे दे दिया बाकी खदक, और तीसरे अगर मीरास को मानता है तो अपने बाबा की सिर्फ मैं एक वारिस हूं, अगर और बेटियां होती तो वो भी कहती कि हम भी मौजूद हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, किसी और का ना बोलना इस बात की अलामत है कि जनाबे खातून ने जन्नत सिर्फ एक ही वारिस थी। सलावत पढ़ा मोहम्मद वाले मां,
महाजिल फजलानी गिरामी कौन है जनाब खातून कि जो एक वारिसा हैं रसूल खुदा की। अब उन्होंने ये सब चीजें आपके सामने पेश की, सारी दुनिया के सामने कयामत तक के लिए दर्ज किया जाए कि ये तीन मुकदमे हैं। अब फौरन उसने कहा कि नहीं, रसूल खुदा ने मुझसे कहा था कि हमारा कोई वारिस नहीं होता। इब्ने फौरन कहा अच्छा मेरे बाबा ने कहा था फौरन कहा कि आया हर मोमिन अपने बाप का वारिस है तो फिर मैं अपने बाबा की वारिस क्यों नहीं। कहा क्योंकि आपके बाबा ने मुझसे कहा था कि नहनो माशर अंबिया ला नरिस या नूरस, हम कौम अंबिया ना किसी के वारिस होते हैं ना हमारा कोई वारिस होता। तवज्जो है मेरे मेरे साथ। अब उसने जवाब ये दिया, कहा कि ना हम किसी के वारिस होते हैं, ना नबी किसी का वारिस होता है और ना ही नबी का कोई वारिस होता है। बीबी ने कहा कि तू हर बात पे मुझसे गवाह मांगता है, तू हर बात पे कहता है कि गवाह लेके आइए, ये आपकी मीरास है गवाह लाइए, ये आपका है गवाह लाइए, मकान आपका है गवाह लाइए। बीबी ने कहा तू ये बता, ये जो अभी तूने मेरे बाबा से मंसूब हदीस कही है तेरे पास कोई गवाह है? उसने कहा नहीं मेरे पास कोई गवाह नहीं, मुझे रसूल खुदा ने तन्हाई में कहा था। पता नहीं बात वहां पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अल्लाह ने गिरामी मेरी कई मतलब बहस हुई, मैंने बहुत से लोगों से पेश किया इस बात को, कहा कि नहीं वो अपनी जगह पे सही थे, बीबी अपनी जगह पे सही थी। मैं क्यों? कहा बीबी अपनी मीरास मांग रही थी, उनका हक बनता था और वो भी सही थे क्योंकि पैगंबर ने उनसे कह दिया था। अज़ीज़ान गिरामी अगर माज़ल्ला पैगंबर ने कहा होता तो उनसे कहने की क्या जरूरत थी, बीबी से कह देते मीरास मत मांगना, कयामत तक के लिए सारे शिया पीछे पड़े रहेंगे। पता नहीं बात वादे हो रही है नहीं। तो जिससे मुताल्लिक था उनको बता दें आपकी मीरास नहीं है, ये हमसाये वालों को बताना मेरे बच्चों से हक छीन लेना, ये नहीं सोचते कि पैगंबर पे हक जा रहा है, ये कहना कि तुम हक छीन लेना और इनसे नहीं बता रहे कि हक मत मांगिएगा। तो कहा कि नहीं मुझसे पैगंबर ने कहा था, बीबी ने कहा कोई गवाह ले किया? अज़ीज़ाने गिरामी उसने कहा मेरे पास कोई गवाह नहीं है, रसूल खुदा ने तन्हाई में कहा था। तो एक खातून बोली बाबा जान तन्हा नहीं थे, मैं भी पर्दे में बैठी हुई थी, मैंने सुना था। अज़ीज़ाने गिरामी जिसने गवाही पेश की, तवज्जो कीजिएगा सारे मजमे की तवज्जो हो, जिसने गवाही पेश की उसी ने कल अपने बाप के मरने पर कहा मेरे बाबा को मेरे घर में दफना दो, कहा ये रसूल खुदा का घर है आपका नहीं, कहा मेरी मीरास है। जो जनाबे सैयदा की मीरास का इनकार करते अपनी मीरास कैसे मांगे? पता नहीं बात वादे है या नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी कहा कि मेरी मीरास में मेरे बाबा को दफना दो, कहा कि तुमने तो कहा था बाबा जान अंबिया का कोई वारिस नहीं होता, ये आपने बिल्कुल सही कहा, मैं सुन रही थी। अज़ीज़ाने गिरामी फिर अपनी मीरास मांगने का हक नहीं रहता। मैं बहुत आपके सामने तफसील से पेश कर रहा हूं, मुकदमे को सुनते जाइएगा। तो अज़ीज़ाने गिरामी जनाबे सैयदा ने कहा कि तू गवाह लेके आ, कहा कि नहीं गवाह आप लेके आइए क्योंकि बागे फदक आप मुझसे मांग रही। बीबी ने कहा मैं मांग नहीं रही हूं, बागे फदक मेरे पास था, तूने मेरे मुलाजिमों को हटाया। तवज्जो कीजिएगा जाने गिरामे, पूरी दुनिया में कानून है इस्लाम से लिया गया, बर्तानिया ने दिया है द लॉ ऑफ पोजेशन, इसे कहते हैं कानून कायदा तो लिया अरबी में कहा जाता है, यानी कब्जा जिसे कहते हैं कि जो चीज जिसके कब्जे में होती है वो उसी की है। ये अमामा मेरे सर पे है, अगर कोई आदमी कहे ये अमामा मेरा नहीं है उसका है तो मुझे गवाह की जरूरत नहीं है। जो आदमी मेरे खिलाफ कहेगा ना कि अमामा उसका, वो मेरे खिलाफ गवाह लाएगा कि अमामा उतरवाओ ये अमामा मेरा। तवज्जो कीजिएगा जाने के नामे, इसे कहते हैं लॉ ऑफ पोजेशन, जो चीज जिसके पास है उसी की है। दूसरा जो मुकदमा दायर करेगा वो गवाह लेके आए। बीबी ने कहा मेरे नौकर मुलाजिम वहां काम करते हैं, अगर तू कहता कि तेरा है तो तू गवाह लेके आ, मुझसे क्यों गवाह मांगता है? कब तक वहां पे हमारे वहां पे नौकर काम करते रहे, 4 साल से लोग काम कर रहे हैं, तू आज कह रहा कि तेरा तो तू गवाह लेके आ। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ाने गिरामी, जो उसने कहा नहीं मेरे पास गवाह नहीं, हमने कब्जा कर लिया, अब आप गवाह पेश कीजिए। बीबी ने कहा कि मैं कुरान से, मैं तो बता रही हूं कि मैं कुरान के अंदर आया कि उल्लुल अरहाम बादहुमा, ये जितने भी रहम वाले हैं यानी जितने भी खूनी रिश्तेदार हैं वो वारिस होते हैं, का कुरान की आयत है, मैं कुरान से तुझे दलील पेश कर रही हूं। कहा नहीं लेकिन हदीस मौजूद है रसूल खुदा की कि हमारा कोई वारिस नहीं। बीबी ने कहा तू कैसा मुसलमान है, मैं आयत पेश करती हूं तो अपने पास से बना के हदीस ले आता है? तवज्जो 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 अज़ीज़ाने गिरामी, बीबी ने कहा मैं आयत पेश कर रही हूं। कहा कि नहीं मैं इस मकाम पे तस्लीम नहीं कर सकता क्योंकि यहां पे एक्सेप्शनल केस है। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ाने गिरामी, बीबी ने कहा कि अच्छा तू कहता है कि मेरे बाबा ने फरमाया, मैं नहीं मान सकती, क्यों? क्योंकि कुरान मेरे बाबा पे नाजिल हुआ था और ये हदीस जो तूने अभी घड़ के पेश की है ये कुरान की मुखालफत कर रही है।
جب قرآن کی مخالفت پیش کر رہی ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بابا قرآن کے برخلاف کوئی بات کہہ دیں کہ ہاں میں تجھے قرآن سے آیات پیش کرتی ہوں جہاں وارث بھی نبی ہے جس کا وارث ہے وہ بھی نبی ہے وارث تھا سلیمان و داؤد قرآن کی آیت ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے کہ داؤد نبی سلیمان نبی کہ جو وارث ہے وہ بھی نبی ہے جس کا وارث ہے وہ بھی نبی پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں جناب داؤد نبی ہیں جناب سلیمان نبی دونوں باپ بیٹا ہیں جناب داؤد والد ہیں جناب سلیمان بیٹے ہیں کہ تو کہتا ہے انبیاء کا کوئی وارث نہیں یہ قرآن کی آیت ہے اب جیسے آپ خاموش ہیں پورا مجمع خاموش تھا وہاں پہ بیبی نے کہا دوسری آیت سن جناب زکریا دعا مانگ رہے ہیں جناب یحییٰ کے لیے اور کہتے ہیں رب حبلی من لدنک پروردگارا اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عنایت فرما یرثنی ویرث من آل یعقوب توجہ کیا کہ پروردگارا جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو جناب یعقوب نبی جو جناب اسحاق کے بیٹے ہیں وہ نبی جناب یعقوب جناب یوسف نبی کہ یہ سارے انبیاء تھے یہ جناب یحییٰ ان کے بیٹے ہیں وہ بھی نبی جناب زکریا نبی جناب یعقوب نبی کہ تو کہتا ہے انبیاء کا وارث نہیں یہ سارے انبیاء کا وارث اللہ نے گرامی اس نے کہا کہ نہیں کوئی اور دلیل پیش کیجیے بیبی نے کہا اچھا اگر تجھے گواہ چاہیے تو میں گواہ لے کے آتی ہوں کہ گواہ کون ہے آپ کا گواہ لے کے آئیے اب سارے خاموش ہو کر سر جھکانے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہمیں گواہ بنا دے حکومت سے ٹکر لینا بہت مشکل کام ہے اللہ گرامی آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ خاموش رہو اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہیں رشتے داروں سے بیٹا خاموش رہو حکومت کے خلاف مت بولنا حکومت سے کون ٹکر لے گا بیوی نے ایک مرتبہ اپنے سر کو اٹھایا کہ گواہ پیش کروں کہ ہاں گواہ پیش کیجیے کہ ام ایمن میری گواہ ہے جناب ام ایمن کے لیے کہا کہ یہ میری گواہ ہے کہ نہیں یہ خاتون ہے ان کی گواہی آتی ہے جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی کہ تم نے سنا نہیں تھا پیغمبر نے کہا تھا ام ایمن میری ولادت کی گواہ ہے اگر یہ گواہی دے تو گواہی آدھی نہیں پوری ہے بس یہ کہنا تھا کہ نہیں مجھے تسلیم نہیں ہے بیوی نے فوراً اشارہ کیا بیوی نے کہا کہ دیکھ پھر میرے شوہر علی ابن ابی طالب میرے گواہ ہیں کہا نہیں شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہے بیوی نے کہا تیرے پاس کوئی آیت یا حدیث ہے کہ شوہر کی گواہی قبول نہیں ہے کہا شوہر کی گواہی کیوں قبول نہیں ہے علی عادل ہیں مرد ہیں کہا کہ نہیں یہ شوہر ہیں کہا ٹھیک ہے حسنین میرے گواہ ہیں کہا یہ نابالغ ہیں کہا رسول خدا نے جوانان نے جنت کا سردار بناتے ہوئے یہ نہیں سوچا یہ نابالغ ہے جب انہوں نے کہا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ جب انہوں نے کہا کہ جوانان نے جنت کے سردار ہیں انہیں خیال نہیں ہے کہ ابھی نابالغ ہیں جب بالغ ہوں گے شہادت ہوگی تب جا کے بنیں گے انہوں نے کہا ابھی ہیں جب ابھی سردار ہیں تو پھر گواہ کیوں نہیں ہیں عزیزانِ گرامی یہ بی بی کا مقدمہ ہے جناب خاتون جنت ہے بی بی نے کہا یہ دونوں میرے گواہ ہیں کہا کہ مجھے آپ کی گواہیاں قبول نہیں ہے بی بی نے ایک جواب دیا بی بی نے کہا پھر گواہ رہے میں سارے مجمع کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں اسی مقدمے کو روز قیامت دوبارہ پیش کروں گی اور اس وقت مقدمہ خود خدا کی بارگاہ میں ہوگا والزعیم محمد اور میرے بابا میرا مقدمہ لڑنے والے ہوں گے تو بتا تو کہاں کھڑا ہوگا اللہ اکبر یہ جناب خاتون جنت یہ خاتون جنت کلام کر رہی ہیں عزیزانِ گرامی اس انداز سے بیوی نے مقدمے کو پیش کیا ہر آنکھ میں آنسو تھا ہر افراد ہر آدمی وہاں پہ لرز رہا تھا عزیزانِ گرامی آنکھوں میں آنسو تھے پاؤں لرز رہے تھے کسی کے اندر جرت نہیں تھی کلام کر سکے جب بیوی ہم کلام ہوتی تھی خود وہ خاموش ہو جاتا تھا اس کی جرت نہیں تھی کہ راستہ روک دے جب بیوی سوال کرتی تھی جواب دیتا تھا جب بیوی کہتی تھی خاموش ہو جا میں بات کرنا چاہتی ہوں پھر اس میں جرت نہیں ہوتی عزیزانِ گرامی جس خاتون کا اتنا رعب ہو وہ خاتون جنت ہے یہ سیدت النساء یہ حوض کوثر کی وارث سورہ کوثر کی مصداق ہے عزیزانِ گرامی ایک روب تھا سارے مجمع پہ بی بی نے ایک مرتبہ اپنی ابا کو اٹھایا اور خواتین سے آواز دی کہ واپس چلو مجھے گھر تک پہنچا دو وہ جو چاروں طرف خواتین کھڑی تھی نا وہ سب رو رہی تھی جب بی بی نے آواز دی نا کہ مجھے گھر لے چلو تو مورخین کہتے ہیں کہ مستورات بتا رہی تھی کہ بی بی کے دونوں ہاتھ مستورات کے کاندھوں پہ تھے اور پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے اس میں مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آئی جب حضرت فاطمہ کے پاس میں وہ باغ تھا تو بعد میں ابو بکر نے ان کے اوپر کیوں قبضہ کر لیا اور جیسے کہ اس میں یہ بھی مینشن کیا ہے کہ ابو بکر نے یہ ذکر کیا تھا کہ نبی ان کو یہ سونپ کے گئے تھے
तो शायद उस टाइम पे ये बात क्लियर नहीं हुई थी कि वो हजरत फातिमा के पास रहेगा बाग या अबू बकर के पास रहेगा, शायद कुछ तो कंफ्यूजन थी, आई डोंट नो कि मतलब क्या हुआ होगा उस टाइम पे, क्योंकि मुझे इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। हालांकि कुरान में सूरह निसा में आई गेस बेटियों के हक की बात की गई है, बेटियों के मतलब जो माँ बाप की प्रॉपर्टी थी बेटियों को भी हक मिलना चाहिए उसके बारे में भी बताया गया है। तो इसमें फिर हजरत फातिमा को वो बाग क्यों नहीं दिया गया था, क्यों उनसे वापस ले लिया गया था?